ये सबसे पहले पार्वती माँ के चरण है। रिकॉर्ड कम कम चलो फोटो ले लो। सबसे पहले पार्वती माँ के चरण है, फिर छोटा सा नंदी है। चरण कहाँ है? अंदर अंदर। अच्छा ठीक है। पार्वती माँ के जब 5 साल की थी तब शिव पानी ने तपस्या की और फिर उन्होंने शिव की तपस्या की, तब जाके शिव के दर्शन हुए। फिर ये बड़े वाले शिवलिंग है, बड़े वाले नंदी बैल है। फिर शिव परिवार है, उसके ऊपर दुर्गा माता है, शेरवाली माता है, अष्टग्रह है, नवग्रह है, विश्वकर्मा है। फिर पत्थर का दरवाजा है, फिर अंदर अखंड। जैसे किसी माता बहन की संतान नहीं होती है तो फरवरी में माँ शिवरात्रि होती है। उस दिन जो पूरे रात पर यहाँ पे बैठ के एक रात को तपस्या करते हैं, खाली 12 घंटे। अगर किसी की तपस्या पर सिद्ध हो गई संतान की प्राप्ति भी मिल सकती है। ठीक है। फिर अंदर यहाँ पे 4 युग के 2 ज्योतिर्लिंग है, 4 युग के 2 ज्योतिर्लिंग है। क्योंकि कहाँ पे हैं? 4 युग के लिंग अंदर वाला क्षति वाला है। अच्छा। जिसकी खोज गाय माता ने की, द्वापर युग यहाँ पे ये जलेरी वाला हरे रंग का, जब द्वापर युग में भगवान हरे भरे थे, छोटे बाल बाल थे। हाँ जी। ये लाल वाला त्रेता युग का है, ये लाल वाला त्रेता युग का है, जब रामचंद्र वनवास गए, हनुमान जी उनके साथ लाल वन के गए। ये त्रेता युग का है। कलयुग का आपको आगे दिखाएंगे, जिसमें जल डालेंगे और अपना शक्ल देखोगे। अच्छा ठीक है। 4 युग के यहाँ दिन में और 1.25 लाख लोगों की स्थापना, ये बगल में धर्मराज जी दिख रहे, उन्होंने की। धर्मराज जी ने 1.25 लाख लोगों की स्थापना। जल डालेंगे? हाँ, जल वाला तो आगे है, मैं इनका कलयुग वाला जल जल वाला बता रहे हैं। यू कैन सी योर फेस इनसाइड देयर, क्योंकि ये आगे वाला ईसा काम वालों ने बनाया मंदिर का। ये मंदिर ये है केदारनाथ के जैसे डिजाइन, जैसा केदारनाथ का डिजाइन है, वही डिजाइन है। लेकिन पूरे भारत में बनावट अच्छी अच्छी है, पत्थर अच्छे अच्छे होंगे, लेकिन गाय माता के पांव के निशान कहीं नहीं होंगे। जब अंदर गाय माता ने दूध की धारा दे के परिक्रमा की कि ये सत्यापन के लिए गाय माता के पांव के निशान है, खुर किसी पत्थर पर देख सकते हैं, तभी जाके ये पवित्र माना गया। और इस मंदिर को महाभारत काल में दिखाते हैं। अच्छा। और जगह कहीं नहीं दिखाएंगे, इसको जरूर दिखाएंगे महाभारत काल में। ये भीमसेन योद्धा ने मंदिर बनाने के लिए पत्थर लाए, ये बड़े बड़े पत्थर, क्योंकि उनके सौवाती का बल था। सौवाती का बल था, लेकिन उन्होंने ये मंदिर बनाने के लिए लाए, ये मंदिर बन नहीं पाया। ये शिवलिंग, हाँ जी, ये मंदिर बन नहीं पाया क्योंकि 12 साल का वनवास था। अच्छा। 12 साल का वनवास था, अज्ञातवास में उन्होंने यहाँ पे काटा और राजा विराट के साथ नौकरी की। 1 साल में यहाँ पे बिताया, कोई रसोया बने, कोई तानक नेट वाले बने, कोई झाड़ू वाले बने, और अज्ञातवास में उन्होंने यहाँ पे बिताया राजा विराट के साथ। फिर देखो ये लक्षाग्रह की ईंट है, ये सारा लक्षाग्रह है। हाँ जी, दुर्योधन ने पांडव जलाने लाखा मंडल तभी कहते हैं। हाँ जी, लक्षाग्रह बनाया था दुर्योधन ने पांडव जलाने के लिए, लेकिन पांडव लोग नहीं जले, खाली लाखा में जल के राख हो गई। अच्छा, ये वो जगह है ना दुर्योधन ने आग लगा लक्षाग्रह, जब दुर्योधन ने पांडवास को बर्न करने की कोशिश करी ना, तो दिस इज दैट प्लेस दैट रेड दैट इज। ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जिला कौन सा है? ये डिस्ट्रिक्ट देहरादून, देहरादून ही पड़ता है, लाखा मंडल। ये नदी पार उत्तरकाशी है, ये डिस्ट्रिक्ट देहरादून है, वो उत्तरकाशी है ना, सामने नदी के पास, नदी पार। ओके। ये मैं ये लक्षाग्रह बनाया था दुर्योधन ने, ये लाल वाली नीचे है, दुर्योधन ने आग लगा दी थी, लेकिन विदुर जी ने बताया कि आपको जलाने के लिए मैद बना दिया, आप लोग जो गणेश भगवान की पूजा करो कोई आपको बचा पाएंगे, नहीं तो मैद के अंदर जल रहे। फिर उन्होंने विदुर जी ने रास्ता बनाया और पांडव लोग जो चूहे के रूप से निकले, क्योंकि आगे गुफा मिली होगी आपको। हाँ, वो आगे गुफा है। हाँ, वहाँ से बाहर निकले। There is a cave. Cave. Okay. You have you seen that on this road? आगे गुफा मिली होगी। There is small cave. वो वहाँ से निकले थे? हाँ जी, ये गुफा के लिए जाने के लिए रास्ता है। आ जाओ आ जाओ। कहाँ से है? ये गोल वाला। ये गोल वाला। अच्छा, ये उन्होंने रात भर वो खुदाई करी होगी।
या जो रास्ता बनाया वो फिर वो बहुत पीछे जो गुफा है वहाँ से निकला। अच्छा एग्जिट वहाँ से हुआ, राइट राइट, आई अंडरस्टूड। राउंड प्लेस विदुर जी ने रास्ता बनाया और पांडव लोग चूहे के रूप से निकले, क्योंकि सबसे पहले पूजा जो गणेश भगवान वही माना गया। किसी भी जगह देखो सबसे पहले वो गणेश जी की मूर्ति कहाँ है जहाँ पूजा करी थी उन्होंने? वो तो गणेश जी के अंदर है, अंदर है, ये बाहर भी है अंदर भी है। अच्छा अच्छा, वो मूर्ति सामने शिव पर शिव जी की है? दुर्गा माता। अच्छा दुर्गा होता है, अच्छा ओके ओके। फिर देखो ये सचिव में द्वारपाल, ये द्वारपाल द्वापर में है देवर दानव, त्रेता युग में है जयर विजय, जयर विजय। अब कलयुग है, अब इनके नाम जो है राक्षस है, क्योंकि पश्चिम दिशा की ओर खड़े हैं पहरेदार भगवान। ये वाले कौन से है? देवर दानव। ये दानव है? हाँ जी, देवर दानव, देवर दानव। ये पश्चिम दिशा की ओर खड़े हैं, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम दिशा हो गए, ये पश्चिम दिशा है ना वो। हाँ। यहाँ पे कोई गांव में मृतक होता था तो अब इस गाँव के अंदर डेड बॉडी यहाँ पे लाई जाती थी। अच्छा, हम लोग पुजारी हैं, मंदिर के अंदर से गंगा जल लेके, ये घूट गंगा जल का पी के राम नाम सत्य बोलते बोलते कुछ पल के लिए जीवित हो जाता था मरा हुआ। अच्छा अच्छा, मरा हुआ आदमी कुछ पल के लिए जीवित हो जाता था। लेडीज मरती तो गाय देते थे, पुरुष मरता बैल देते थे, 5.25 रुपये हमारे बुजुर्गों को दक्षिणा देते थे। वो पूरा विचार पूछते थे बच्चे, इस बहाने मरे क्या दिक्कत आ गई, धान में गिरे या पेड़ में गिरे या किसी ने आपको जहर दिया या खुद अपने आप मरे, तो पूरा चार पूजा जी के पास बढ़ा देते थे। उसके बाद दही चावल खा के दोबारा मृतक होना था, फिर नदी किनारे ले जाते थे। ठीक है, फिर देखो 1 अप्रैल को नया साल शुरू हो जाता है, 13 अप्रैल को बैसाखी होती है, 15 अप्रैल को नए साल का यहाँ पे मेला लगता है। नए साल जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, चैत्र के महीने के बाद, चैत्र मास में यहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद चारण धाम के कपाट खुलेंगे, ओके ओके, पहले मेरा यहाँ पे लगे इस मंदिर में, ओके ओके। उसके बाद चारण धाम के यात्रा खुलेगी, 6 महीने के लिए शीतकालीन के लिए बंद हो जाती है, लेकिन यहाँ पे कभी बंद नहीं होता। इंगे एपो में इंगे क्लोज पने दे मटाड़ो, ठीक है। आफ्टर प्रेइंग हियर द 4 धाम्स आर ओपन, ओके। फिर देखो ये 5 भाई पांडव है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ये 5 भाई पांडव है, 4 भाई चारों तरफ है, बीच में धर्मनाथ लिंग के रूप में यहाँ स्थापित है, जिन्होंने यहाँ पे 1.25 लाख में उनकी स्थापना करी, 363 मंदिर बनाए, 1.25 लाख में उनकी स्थापना की, 33 कोटि देवी देवता यहाँ पे निवास करते हैं। यहाँ पे कहीं पे खुदाई करो 200-300 मीटर की एरिया में यहाँ पे निकलते रहे शिवलिंग या मूर्ति या पूजा करते रहते हैं। इसलिए यहाँ का नाम जो है लाखामंडल, वही मैं पूछ रहा था कि वो अंदर मूर्तियाँ पहले कहाँ थी, जगह जगह थी। ये 5 शिवलिंग यहाँ पे, ये देखो, हाँ, छोटा सा मंदिर है, उधर भी 2 मंदिर है, फिर बीच में ये शिवलिंग है, ये सब 2007 में खुदाई पे निकले। दिस इज ऑल द अंडरटेकिंग ऑफ ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 2007 में खुदाई पे निकले, यहाँ पे पहले खेत था, गेहूँ बोते थे, मक्का लगाते थे, लेकिन 2007 में जब मिट्टी हटाई तो ये सारा दबाव था। अच्छा, इसे कहीं से खुदाई करो 200-300 मीटर की शिवलिंग ही शिवलिंग है, तो अभी भी खुदाई होती है? अभी भी खुदाई में होती है, ओके ओके। अब आप लोग आगे चलेंगे मैं, तो वो ऊपर भी मंदिर है, वो ऊपर वही मंदिर है, ये शिवगुरु महाराज का चूड़ी धार वाला, अच्छा अच्छा, हिमाचल वाला, क्योंकि ये तो 5 भाई पांडव है, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्म हो रहा है, बहुत हॉट है, इसलिए हम अभी घुमा नहीं पा रहे। ये कौन सा मंदिर है? सर ये स्टोर है, स्टोर है। अच्छा स्टोर, ये पीछे क्या बनाया पंडित जी? ये म्यूजियम बनाया, म्यूजियम अभी खुलेगा, अब खुलेगा भी जब इस मूर्ति यहाँ पे हो जाएगी, म्यूजिंग तो जरूरी है, हो जाएगी। ये सुदर्शन चक्र है, किशन भगवान के जब अंगुली पे घुमाते थे,
ये मंदिर के टॉप पे होते थे। हाँ जी मंदिर पे टॉप पे होते थे। अरे देखो यमुनोत्री वाली बर्फ देखो इस साइड में, हाँ वो दिख रही है ना। हाँ यमुनोत्री, इसके नीचे यमुना माँ निकल रही है। नदी पार उत्तर काशी है, ये डिस्ट्रिक्ट देहरादून है। और मैं आपको बताऊंगा ये पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, दक्षिण दक्षिण, क्योंकि चारों दिशाओं के बीच में अच्छे अच्छे गाँव होंगे, अच्छे अच्छे बनावट होगी। लेकिन 1,25,000 में उनका स्थापना है, 365 मंदिर है, 33 कोटि देवी देवता यहाँ पे निवास करते हैं। लेकिन जैसा लाखन ये लाखमंडल है चारों दिशाओं के बीच में, ऐसे कहीं पे भी नहीं। कमल के देखे कमल की पंखड़ियाँ देखो, ये पहाड़ बने हुए वैली है, लाखमंडल एक तरह से वैली है, मंडल चंद्रमंडल तारामंडल लाखमंडल चारों दिशाओं के बीच में लाखमंडल लाखमंडल ऐसी दिशा कहीं पे भी नहीं। ये कमल के देखे अच्छा ये लेटेस्ट है खुदाई। ये 2022 ये निकलेंगे, अभी आगे भी खुदाई होगी जब आगे निकलेंगे। दिस इज अ न्यू म्यूजियम, द होल आइडल्स विल शिफ्ट हियर, दिस इज नॉट ओपन येट। कहाँ गर्मी में लेके जाओगे पंडित जी? ओके ओके, यहाँ थोड़ा सा ठीक है, मार्बल में गर्म था। आज तो कोरोना की बीमारी है, लेकिन आज भी हमारे क्षेत्र में बीमारियां नहीं है। देवी देवताओं के आशीर्वाद से हम लोग सुखी हैं, और सबको चाहते हैं सब लोग सुखी रहे, ऊपर वाले का आशीर्वाद दें। काली माता श्री मरडेश्वर महादेव विजय तेतराम। तो यहाँ पे लिखा इसका पोज में रो। ठीक है, क्योंकि जो इतिहास मैंने बताया यहाँ पे उस पे लिखा हुआ पूरा इतिहास। अरे पढ़ के मुड़िए, ये शिवलिंग भी शिवलिंग 1972 को निकला। अच्छा 2007 को ये फील्ड बना। 2011 पे यहाँ पे यज्ञ हुआ था, जिसमें 109 पंडित थे, 11 हवन कुंड बने थे, जिसमें बद्रीनाथ वाले शंकराचार्य भी आए थे। लेकिन ये खरी नाम का हरिजन था यहाँ पे, उसके पास सपने में आया भाई मेरे को निकालो, मेरे को लोग बाग लांग रहे हैं। फिर हमने शर्म दान करके इसको निकाला गया, और अष्टलों के बीच में अष्टकोण के बीच में कुंतहरण महादेव, इसमें आप लोग जल डालेंगे और अपना शकल देखोगे। उसका क्या प्रभाव है पंडित जी? देखो इसमें आप लोग जल डाल के अपना शकल देख सकते हैं, फेस देख सकते हैं, इतना क्लियर हो जाता है। ऐसा शिवलिंग कहीं पे भी नहीं, वैसे 1,25,000 लिंग की स्थापना की धर्मनाथ जी ने, पर लेकिन ऐसा कहीं पे भी नहीं। यस ट्रू। अष्टकोण 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 के बीच में आप लोग जल उठा लो और जल डालो। अब इसमें आप लोग अपना फेस देखिए, दिखाई दे रहा? हाँ दिखाई दे रहा। अच्छा शिवलिंग कहीं पे भी नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। आप जरा मेरे को मोबाइल देना, मैं आपका फोज इसके अंदर लूंगा। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम मत्रेश्वराय नमः। हरिओम 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 वरुणाय नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम वरुणाय नमः। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय।
बहुत क्लियर है पिक्चर। देखो इसके अंदर आपका पोज देखो। वो हवन कुंड है पीछे, धूनी है, रहते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे साधु। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। इससे आगे कुछ है? इससे आगे तो कुछ नहीं है, ये डबल मंजिल गुफा है। ऊपर टॉप पे कुआं है। कहाँ पे गुफा है? ये डबल मंजिल ऊपर चारों तरफ, ऊपर टॉप पे कुआं है। वो जो ऊपर रास्ता जा रहा है, ये ऊपर रास्ता जा रहा है, तो वहाँ पे कहते हैं माता का कुंडल है, तो कुआं है जहाँ पे। तो गुफा यहाँ से नजर आती है? हाँ हाँ, ये चारों तरफ दिखाई दे रही है गुफा। हाँ अच्छा, ये चारों तरफ दिखाई दे रही छोटी छोटी गुफा। हाँ ठीक है ठीक है। पांडव वाली गुफा नीचे है। हाँ वो नीचे होगी। ठीक है, बस इसके आगे तो नहीं है।